गोमती नगर विस्तार में लक्ष्मी मार्केट को ध्वस्त करने पहुंची लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम को तथा कथित किसान नेताओं और महिलाओं का जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। महिलाएं सड़क पर बैठ गईं और जमकर हंगामा करने लगी। बताया गया कि भूमाफिया में दर्ज तारा सिंह बिष्ट का इस अवैध निर्माण को शय है। उसके रिश्तेदार दिलीप सिंह बिष्ट के नाम पर यह अवैध निर्माण दर्ज किया गया है। वर्ष 2017 में इसको गिराने का आदेश लखनऊ विकास प्राधिकरण ने दिया था, तभी विरोध प्रदर्शन के दम पर इसको रोक दिया गया था, जिसके बाद में लक्ष्मी मार्केट में एक मंजिल और निर्माण कर लिया गया। एक बार फिर इस अवैध निर्माण को गिराने के खिलाफ लामबंदी की जा रही है। एलडीए गोमती नगर विस्तार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने बुधवार को पहुंचा। एलडीए के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का विरोध करने तथा कथित किसान यूनियन के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। जनेश्वर पार्क के पास दिलीप सिंह बिष्ट की बिल्डिंग पर कार्रवाई करने एलडीए टीम पहुंची थी। एलडीए टीम और बिल्डिंग मालिक दिलीप सिंह बिष्ट के समर्थकों के बीच जबरदस्त नोकझोंक भी हुई। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने भारी संख्या में पुलिस बल भी पहुंचा। स्वयंभू किसान नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने एलडीए की कार्रवाई का विरोध किया और जमकर हंगामा भी हुआ। यहां पर प्रदर्शन कर रहे तथा कथित किसान नेताओं का कहना था कि पहले पूरे शहर के अवैध निर्माण को गिराया जाएगा, उसके बाद ही ये निर्माण गिराया जाएगा। इस अवैध निर्माण को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी का स्पष्ट कहना है कि जहां भी अवैध निर्माण है उसको सील करके गिराया जाएगा। प्रवर्तन कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की है, जिसके बाद में हर तरह से इसको अवैध माना गया है। सरकारी काम में बाधा करने वालों पर भी एक्शन लिया जाएगा। छोड़ने नहीं देंगे शासन में। अरे बताइए नहीं वो बड़ा महिला है।